के हाल मानस है। देखो गवार होते से बोलता है, अरे ओ जिले के पोते रे ना, तेरा दो ठोकूंगा। देखा गवारों जैसी बोली। राम राम दोस्तों, अपनी हरियाणवी ने न्यू गवारा वाली बोली क्यों को है? गुजराती, मराठी, बंगाली दूसरी भाषा भी तो है, इन क्यों ऐसा कोई नहीं कंधा? और के शुरुआत ते अपनी हरियाणवी ने यो थर्ड क्लास वाला टैग मिला हुआ है, या फिर बीच में इतिहास में कोई ऐसी घटना हुई जिसने हरियाणवी के साथियों गवार वाला टैग चिपका दिया? आओ देखें दोस्तों। जयू हरियाणवी चैनल आपके सामने पहली बार आया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दियो। साल 1757 में जब बंगाल में अंग्रेजा का राज आ गया था तो उड़े अंग्रेजा ने अपने हिसाब से सिस्टम सेट करना शुरू कर दिया, जिसमें उनके ग्लोबल लेवल की पढ़ाई भी शामिल थी। इसके उलट अपने हरियाणा में एजुकेशन की इतनी भारी कमी थी कि साल 1900 तक भी यार कोई कॉलेज नहीं था, जबकि बंगाल में साल 1857 में यूनिवर्सिटी खुल गई थी। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि अपने लोअर दौर भी कोई कॉलेज ना हो। दिल्ली में एक राजकीय कॉलेज था जिसको अंग्रेजा ने साल 1873 में न्यूका गबन कर दिया कि एक राजकीय कॉलेज लाहौर में है, दूसरा दिल्ली में है, हम दोनों नहीं चला सकते, इसलिए हम दिल्ली वाले ने बंद करे हैं। तो जो लोहा दौरा था वो भी अंग्रेजा ने बंद कर दिया था। दोस्तों ये बात याद रखियो, सारी आगे जाके जुड़ जंगी। बॉम्बे और मद्रास के लगभग 150 साल पाछे हरियाणा ने अपना पहला कॉलेज रोहतक में साल 1926 पंडित नेकी राम कॉलेज खुला था। यानी जब पहला हरियाणवी ग्रेजुएट होया होगा उस टाइम पे ये बंगाल और तमिलनाडु वाले तो यूनिवर्सिटी चलाया करते, इनके भारत ब्यूरोक्रेट्स बन लिए थे अंग्रेजा के राज में ये शासन करया करते। बाकी न्यूबी ना समझ लियो के स्कूल किस चिड़िया का नाम है अपने आले ने पता ही नहीं था, अरे साथ डाल के स्कूल होया करते। मतलब जरा फारसी और अरबी पढ़ाया करते, चटसाला जरा हिंदी, महाजनी और दुकानदार के बाद कहते गणित भी सिखा जा करते। मस्जिद स्कूल और धार्मिक शिक्षा, अरबिक, कुरान, इन सब पर जोर था। पाठशाला हिंदी, संस्कृत और थोड़ा बहुत गणित भी सिखाया करते। गुरुमुखी पाठशाला अरे गुरुमुखी, गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दिया करते। धर्मशाला हिंदी, उर्दू और थोड़ा बहुत मैथ भी सिखाया करते। कुछ विशेष स्कूल थे जरा मुनिमी, वैद, अकीमी, ये सब सिखाई जा कर दी। चलो ईब तक तो सब अपने अपने घरा राज्य थे, जो बंगाली, तमिलनाडु वाले जो अंग्रेजा की पढ़ाई पढ़ रहे थे वह अपना खुश थे और हम देसी पढ़ाई वाले अपने घरा खुश थे। लेकिन अंग्रेजा ने साल 1911 में अनाउंसमेंट कर दी कि ईब राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली जाओगी। साल 1911 से लेकर 1931 तक 20 साल में राजधानी राम राम तय कलकत्ता तय दिल्ली पहुंच गई। और इस गेल आए वह भारतीय अफसर जो दिखने में तो इंडियन थे लेकिन दिल और दिमाग तक कति अंग्रेज बन लिए थे, और याड़े ते हरियाणवी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। दोस्तों आप आज आली चमकती दमकती दिल्ली ना इमेजिन कर लियो, साल 1911 की दिल्ली इन अंग्रेजा ने कितने करूर तरीके से अपने हरियाणवी गांव में दिल्ली सूबे में ठाके बजाए थे। मैंने वीडियो बना रखी है दिल्ली तू भी हरियाणवी लिखड़ी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पक्का देखियो, बहुत जबरदस्त है वीडियो है। तो इन अफसरों ने देखा रे ये किसे लोग एक कपड़ा कपड़ा बंदे अंडे जावे हैं, बुढ़े की धोती देख कर सोचा कर दे लुगाई इन कितनी भारी भरकम चीज पा रहे हैं, दामन खारे ना कह कर दे, बालक तो इनके नंगे पंगे अंडे हैं। जब ये लोग बोल रहे हैं तो ऐसा लगे जानू लड़ाई कर रहे, तू तड़ाक करके बात करते हैं, बिल्कुल गवार थर्ड क्लास लोग हैं, इसी सोच इन्हें अपने प्रति बना ली। इसके उलट ये लोग तो अंग्रेजी में बात करा कर दे, कोट पैंट पहना कर दे और नुकांच के गिलास में अलाकर दारू पिया कर दे। इन्हें के बेरा के जो आक्रमणकारी दिल्ली में लुटन आया कर दे वह सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर थोड़ा ना लैंड करा कर दे, वह तो हरियाणा में मार काट मचा दे आया कर दे। तो जब ये लोग पेपरा की तैयारी करा कर दे अंग्रेजा की नौकरी लेने थी, उस टाइम हमारे बड़े बुढ़े बालक अपनी जिंदगी बचाने थी, अपने देश की धरती ने बचाने थी दिन रात लागे रहा कर दे, कल जिंदे बचेंगे या कोई मार जगह इसे में सारा टाइम लिकट जा कर दा, कितकी अंग्रेजा की नौकरी, कितकी ऊंची पढ़ाई, ये तो सपने में भी बात है नहीं थी। पर दोस्तों दुनिया तो चढ़ते सूरज ने सलाम कराया करे, जब मारे आले आदमिया ने इन आले देखे तो बड़ा इंप्रेस हो गए कि असली जिंदगी तो ये जी रहे हैं, कितने बढ़िया कपड़े पर है, कितने सुतरी डाल बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजा खेल रहे हैं, हमने तो अपनी जिंदगी
बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से जो ये पढ़े लिखे भारतीय अंग्रेज थे इनने जो कहा वो अपने एरिया आ रहे थे, पत्थर की लकीर बन गया। आम इन भगवान की डाल पूजन लग गए, इनकी हर चीज कॉपी करने की कोशिश है करने लग गए। राम राम तो ऐसा माहौल बन गया कि जो भी बालक बढ़िया पढ़ लिख लंदा वो अपने परिवार ने गांव में कैद के शहर में ले जाकर अंग्रेजा की डाल जीना शुरू कर देंदे, हरियाणवी बोलना छोड़ देंदे, हरियाणवी कल्चर ने छोड़ देंदे। और इन्हें देखम देखी और भी अपने हरियाणा के क्षेत्र के बालक इसे लाइन पे चाल पड़े, और उसका रिजल्ट ये होया कि हरियाणवी हरियाणवी कल्चर धड़ाम तो नीचे आ पड़े और एक गवार थर्ड क्लास की कैटेगरी में पहुंच गए। और यो ट्रेंड आज भी है, आप अपने आसपास देख लो, जो भी शहर में जाकर शिफ्ट हो जाए उसकी जब अगली पीढ़ी आवे है तो वह हरियाणवी बहुत कम जाने बल्कि हिंदी या इंग्लिश में बात करना सीख है। हालांकि दोस्तों ईब स्थिति बदलन लाग रही है, बदलाव इस सस्ते इंटरनेट का, जिसकी वजह से बहुत सारे हरियाणवी गाने पॉपुलर हुए, हरियाणवी फिल्म आने लगी और छोरे छोरिया ने स्लो मोशन की हरियाणवी गाने पर रील बनानी शुरू कर दी, तो थोड़ी बहुत हरियाणवी को लेकर जो नेगेटिविटी थी वह कम जरूर हुई से, लेकिन यू बहुत कम काम होया है, बहुत लंबा इब हमने जाना है हरियाणवी को दोबारा तय जो 100 साल की सजा मिली थी इसमत है कटन थी। दोस्तों आपने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, मैं थारा भाई गौरव मान थारा दिल से धन्यवाद करूँ यह वीडियो देखने।